आगे बढ़ते हैं। खबर अमेठी से है। शादी समारोह में मारपीट के बाद गोली चल गई है। चुनावी रंजिश में प्रधान और प्रधान प्रत्याशी आमने सामने थे। मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। यह सारा मामला है जगदीशपुर थाना इलाके के रानीगंज गांव का। देखिए आप तस्वीर, अमेठी की तस्वीर। दोनों पक्षों से करीब 6 लोग हिरासत में है। शादी का समारोह था, मारपीट हुई, उसके बाद गोली भी चल गई। आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए अमेठी के इस शादी समारोह का। आप देखिए मारपीट हो रहा था, विवाह, फिर हो गई मारपीट और चल गई गोली। ये अमेठी का सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। शादी समारोह में मारपीट हुई और उसके बाद गोली चली। इधर रुड़की में दो पक्षों में मारपीट की खबर है। मामूली सा विवाद था और इस मामूली से विवाद में मारपीट हो गई और इसका वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो मंगलौर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। बड़ी खबर, मामूली सा विवाद और उसके बाद जबरदस्त मारपीट रुड़की में दो पक्षों में। एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रुड़की की। छोटा सा विवाद था, बढ़कर इतना बड़ा हो गया। जबरदस्त मारपीट, महिलाएं भी उसमें शामिल। से एक वीडियो की जानकारी मिली है जिसमें दो परिवार या पड़ोसी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जानकारी कराई जाएगी कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है और क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और अगली खबर भी रुड़की से है। 20 सड़क पर ही युवक से मारपीट की खबर है। 6 से 7 दबंगों ने इस युवक को जमकर पीटा है। इसका वीडियो वायरल हो चला है। मारपीट की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है और ये मामला है गंगनहर कोतवाली इलाके का। ये खबर भी रुड़की से है। युवक को 6 से 7 दबंगों ने पीटा है मिलकर। ये देखिए आप रुड़की की ये फुटेज। प्रेम प्रसंग इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। मामला है गंगनहर कोतवाली इलाके का। 20 सड़क पर युवक से मारपीट। 6 से 7 दबंगों ने इस युवक को जमकर पीटा है। रुड़की का मामला है। 20 सड़क पर युवक से मारपीट। अगली खबर नोएडा से है। पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े को दबंगों ने पीट डाला। जी, कई लड़कों ने प्रेमी जोड़े की पिटाई की है। यह मामला है नोएडा के थाना 49 इलाके का। इसका वीडियो वायरल हो गया है। ये देखिए आप, प्रेमी जोड़ा पार्क में बैठा था और कई लड़कों ने इस प्रेमी जोड़े को जमकर पीट दिया। नोएडा का यह मामला है, थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का। प्रेमी जोड़े को दबंगों ने पीटा है। आप देखिए, पार्क में बैठे थे दोनों, दबंग वहां पर पहुंचे, पीटना शुरू कर दिया। अगली खबर मेरठ से है। दौराला में कोल्ड स्टोर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। कोल्ड स्टोर का ध्वस्तीकरण हो सकता है, यह बड़ी अपडेट। क्रेन और जेसीबी मशीन मौके पर पहुंच गए। फिलहाल क्रेन के जरिए मुआयना भी किया जा रहा है। पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर का यह कोल्ड स्टोरेज है। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। ये देखिए आप मेरठ से खबर, कोल्ड स्टोर का ध्वस्तीकरण हो सकता है। आपको याद होगा कैसे यहां पर हादसा हुआ था और इसमें लोगों की जाने गई थी, 7 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। क्रेन के जरिए इसका मुआयना किया जा रहा है। ये कोल्ड स्टोर है पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर का और वहां पर क्रेन और जेसीबी मशीन पहुंच चुके हैं। ध्वस्तीकरण अब शुरू होगा कोल्ड स्टोरेज का। ये बड़ी खबर दौराला से, मेरठ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवपाल यादव ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यूपी में इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और इंटेलिजेंस फेल होने की वजह से वारदातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं शिवपाल यादव, जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी। भाजपा के आरोपों पर उन्होंने यह कहते हुए पलटवार किया है कि उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल और इसी वजह से तमाम वारदातें हो रही हैं। घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई और इस तरीके से कई घटना हो गई। और अभी तो बता रहे कि एक पकड़ा गया,
दो पकड़े गए तो और भी तो हैं, और को का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। बयान देखा आपने और आक्रमण देखा आपने शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी के साथ 12 की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।